मिलेगा हर खबर राष्ट्र की आवाज पर। आइए देखते हैं आज की पहली खबर संख्या एक। देवघर भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया गया। देवघर झारखंड से धनंजय कुमार राणा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी देवघर के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया। सिंघवा मोड़ पर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने बच्चों के बीच चॉकलेट बिस्कुट और बड़े लोगों को मिठाई खिलाकर जयंती मनाया। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष सोनाधारी झा ने कहा, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा हो रहा है। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलते लोकसभा में कहा था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा ही नजर आएगा, वो सपना आज पूरा हुआ। झूठ मूठ का भोले भाले किसानों के बीच कांग्रेस पार्टी एवं सभी विपक्षी पार्टी भ्रम फैलाकर भोले भाले किसानों को फिर से ठग रही है। आज देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के खाते में डायरेक्ट किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से पैसा भेजा। सभी किसानों को इससे ये साबित हो गया कि किसानों का हितेशी कौन है। देश के सभी किसानों से विनम्र आग्रह पूर्वक कहना है, ये कृषि कानून एकदम किसानों के हित का कानून है। किसान उचित मूल्य पर अपना फसल कहीं भी बेच सकता है। धरने पर जो भी किसान बैठे हैं वो नकली किसान हैं, वो बिचौलिए हैं। मंडी के बिचौलियों का ही कालाबाजारी होगा। इस नए कृषि कानून से इनसे सावधान रहे देश के सभी किसान। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला के महामंत्री श्री संतोष उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी देवघर नगर के पूर्व महामंत्री श्री सुनीत आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आईटी सेल प्रभारी बम दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कोर कमेटी के सदस्य श्री गोपी रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यालय प्रभारी श्री प्रमोद कुमार साह जी, भारतीय जनता पार्टी के एसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष साहिल कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्य समिति सदस्य प्रमोद कुमार जी, मुकेश पंडित जी, बटा यादव एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। दूसरी ओर भाजपा के माधोपुर मंडल अध्यक्ष किसानों के फसल की लहलहाती खेत में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का जयंती मनाया। आइए पकड़ लिया, एक बार दूर से बाबू साहब बच्चा लोग का भी ले लिए, सब ले लिए। खड़ा लेते हैं बम बम खड़ा। संतोष जी आप यहाँ रहिए ना, आप जाइए मुकेश जी।